दोस्तों टीवीएस ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेडर 125 को लॉन्च किया था। अब इसके बाद जुपिटर 125 सीसी सेगमेंट इंजन के साथ यहां पे पेश करा है और 125 सीसी का जो इसमें इंजन है वो भी न्यूली डिजाइन किया गया है। तो आज की डिटेल में वीडियो होने वाली है जुपिटर 125 सीसी के बारे में। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात कर दूं दिल्ली के हिसाब से, तो ये 73,400 इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग रखी गई है। न्यू जुपिटर में आपको सेगमेंट का सबसे ज्यादा 33 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलता है। साथ ही साथ एकदम यूनिक फ्यूल फिलिंग जो है इसमें आपको फ्रंट में लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी, जिससे कि जो बॉडी है और भी काफी बैलेंस हो गई है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऑप्टिमाइज करी गई है। तो आज डिटेल में बात करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर 125 सीसी सेगमेंट के बारे में। अगर न्यू जुपिटर 125 सीसी के डिजाइन की बात करें तो फ्रंट से अगर आप देखते हैं तो एक्टिवा 125 की तरह ही लगेगा, लेकिन साइड प्रोफाइल की ओर अगर आप जाते हैं तो वो आपको जुपिटर 110 की ही याद आ जाएगी। फ्रंट हेडलैम्प और वाइजर अगर आप देखते हैं तो सेम एक्टिवा 125 इंस्पायर्ड लगता है। इसमें आपको हेडलैम्प जो है एलईडी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डीआरएल भी एलईडी देखने को मिलते हैं। और जैसी जैसी आप नीचे की ओर आते हैं तो वही सिग्नेचर जुपिटर वाला आपको डिजाइन देखने को मिलता है विद हेलोजन इंडिकेटर्स के साथ, और जो थोड़ा क्रोम वर्क है यहाँ इंडिकेटर्स पे और डिटेल में किया गया है। और जो यहाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अब आपको जुपिटर में, जैसे कि फ्रंट मडगार्ड हो गया, साइड जो आपको साइड बॉडी है वो आपको ज्यादातर अब मेटल की देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि पहले से ही मिलते थे वो देखने को मिलेंगे विद डायमंड कट एलॉय व्हील्स के साथ। टायर जो आपको इसमें मैक्सिस के 90x90 के 12 इंच के देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस वाले। फ्रंट में आपको 220 की डिस्क ब्रेक मिलती है विद सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के संग, जिसमें कि आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंट आपकी रियर ब्रेक भी अप्लाई होगी, और रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल ओवर जो डिजाइनिंग है, जो फ्रंट हेड है, जो ऊपर का जो आप हेडलैम्प देखते हैं वहां पे जो काफी वर्क किया गया है, जो कि एक एक्टिवा 125 की ही मतलब झलक यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब साइड सेक्शन की ओर चलते हैं तो अब आपको न्यू जुपिटर 125 में फ्यूल फिलिंग का जो ऑप्शन है रियर की बजाय आपको फ्रंट में लेफ्ट साइड में दिया जाएगा, और फ्यूल टैंक आपको फ्रंट फ्लोर बोर्ड के नीचे मेटल का मिलता है, जो कि पहले से ज्यादा कैपेसिटी वाला देखने को मिलेगा। और शायद ही ये ऐसा फिलिंग का ऑप्शन आपको फ्रंट में किसी और स्कूटर में देखने को मिलता था। फ्यूल लिड को आप इग्निशन की से ही एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड में आपको यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, और साथ ही साथ नीचे आपको 5 से 6 लीटर का ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसमें क्या है, आप अपना अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल रख सकते हैं, गोप्रो चार्ज कर रहे हैं तो आप नीचे गोप्रो रख सकते हैं। फ्यूल फिलिंग जो फ्रंट में लेफ्ट साइड में दी गई है, इससे क्या है जुपिटर 125 सीसी सेगमेंट में इसमें आपको सबसे ज्यादा अंडर सीट स्टोरेज आपको 33 लीटर का देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप इजीली दो स्टैंडर्ड साइज के हेलमेट रख सकते हैं। और इससे क्या है, बॉडी जो बैलेंस है और इंप्रूव हुआ है, और साथ ही साथ सेंटर ग्रेविटी और ऑप्टिमाइज हुई है। और साथ ही साथ जो फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन फ्रंट में दिया गया है, इससे सीट की लेंथ भी बढ़ जाती है और विड्थ भी बढ़ जाती है। इससे एर्गोनोमिकली क्या है, जुपिटर 125 लॉन्ग राइड के लिए और काफी कंफर्टेबल साबित हो जाती है। अब अगर इंजन सेक्शन की अगर बात करते हैं टीवीएस की ओर से 125 सीसी सेगमेंट में, ये थर्ड इंजन है जो कि जुपिटर 125 के लिए डिजाइन किया गया है। इससे पहले क्या है, एंटॉर्क में 125 सीसी का 3 वॉल्व वाला इंजन आता था, सेम जो कि रेडर में दिया गया, और एक रेडियन में था 125 सीसी का इंजन। लेकिन जुपिटर के जो 125 सीसी में न्यू इंजन जो डिजाइन किया है 2 वॉल्व वाला, इसमें क्या है आपको कंबशन चैंबर डिजाइन मिलेगा न्यू, और साथ ही साथ पिस्टन रिंग न्यूली डिजाइन देखने को मिलेंगे, लाइट वेटेड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट आपको यहां पे देखने को मिलती है। ये जो 125 सीसी का इंजन है 2 वॉल्व वाला, 8.3 bhp की पावर सिर्फ 6000 rpm पर ही प्रोड्यूस कर देता है, और साथ ही 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क 4500 4500 rpm पर प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ आपको इसमें टीवीएस की इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। स्मूथ साइलेंट सुपीरियर स्टार्ट के लिए आपको जुपिटर 125 में टीवीएस की इंटेलिगो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर फीचर्स दिया गया है, जिससे कि आप अगर इसे स्टार्ट करते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा और ये स्टार्ट हो जाएगी, मतलब काफी साइलेंटली स्टार्ट होगी, जो कि आपको सेम रेडर में फीचर्स देखने को मिल रहा था। जुपिटर 125 में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जो कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक में काम करती है। जैसे ही आप ट्रैफिक में जाते हैं, गाड़ी रुकती है, आपकी स्कूटर रुकता है, तो इंजन जो है स्टॉप मोड में चले जाएगा, और जैसे ही आप एक्सीलरेट करते हैं तो स्टार्ट हो जाएगा स्कूटर। इससे क्या है, आप काफी
फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा कर सकते हैं। इंजन के बाद अगर अब हम चलते हैं रियर साइड में, तो रियर साइड में आपको वही 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मैक्सिस का देखने को मिलेगा और रियर टेल लैंप आप देख सकते हैं। यहाँ भी DRL का फंक्शन दिया गया है, फ्रंट में भी DRL और रियर में भी आपको DRS देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इंडिकेटर है वही आपको हैलोजन टाइप में देखने को मिलेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो आपको सेमी डिजिटल टाइप यहाँ देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको इको पावर मोड इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, डिस्टेंस टू इम्पिटी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी इंडिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो साइड स्टैंड इंडिकेशन, लो फ्यूल इंडिकेशन, लो बैटरी इंडिकेशन और सर्विस ड्यू, हेलमेट इंडिकेशन जैसे आपको यहाँ सेफ्टी इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ अब एंड में, तो ऑरेंज के साथ साथ आपको ग्रे और ब्लू दो और कलर ऑप्शन में यहाँ आपको जुपिटर देखने को मिल जाएगी। न्यू जुपिटर 125 को एर्गोनॉमिकली कम्फर्ट राइड को देखते हुए, जिसमें आपको अच्छी पावर लो RPM पर अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के साथ मिल सके, इस तरह से डिजाइन किया गया है। एक्स शोरूम प्राइसिंग की मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी, जो कि दिल्ली के हिसाब से 73,400 मतलब 73,400 से इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ये रुद्रपुर TVS शोरूम में आती है तो आपको इसका राइड रिव्यू और ऑन रोड प्राइस आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो वीडियो पे बने रहिए, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इसके राइड रिव्यू और इसके ऑन रोड प्राइसिंग के साथ में।